जय जगन्नाथ। आपण देखुछंती आपणक प्रिय यूट्यूब चैनल गायत्री टीवी। दर्शक बंधु, आज आम भगवत गीतार षष्ठ अध्याय विषय में जानिबा। भगवत गीतार षष्ठ अध्याय हेउची ध्यान जोग बा आत्मसंजम जोग। एही अध्याय रे सर्वमोट 47 टी श्लोक रहिछि। एवं एही अध्याय रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को आत्मसंजम उपाय कहवा सहित ध्यान बा योग करिवार विधि विषय में वर्णना करिछंती। श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछंती, हे अर्जुन, कौनसी फल पाइबार आशा न रखी जो व्यक्ति निजर कर्तव्य संपादन करि चली थाए से ही प्रकृत सन्यासी बा प्रकृत कर्मयोगी अटे। जड़े संसार त्यागी सन्यासी एवं कर्मयोगी भितर किसी भी फरक न थाए। उभयंकर लक्ष्य गोटे। आउ जी सांसारिक मोहमाया त्याग करिया को अक्षम जानी था, बाहर को सन्यासी बोली जेते देखाई हेले भी सीए केबे भी सन्यासी होई पारे ना कि कर्मयोगी भी होई पारे ना। केवल दृढ़ मनोबल द्वारा ही जड़े निजकु एही मोहमाया भरा संसार रु उधार करि पारे। मनुष्यर एही मन ही निजर परम मित्र होई पारे तो केते बेले पुनी परम शत्रु मध्य होई पारे। केमिति ना जिए मन को निजर नियंत्रण रे रखि पारे मन ता पई परम बंधु होई थाए। मन को निज आयतर रखी अनेक लाभ उठा जाई पारे। मात्र जिए मन को निज आयतर रखि पारे ना से मन ही तापाई चरम शत्रु साजि थाए आउ विपदर कारण पलटि जाए। जिए मन को जय करि पारे से ही प्रकृत रे निज को सठिक भाव रे चिन्ह पारे। से ही व्यक्ति शीत ग्रीष्म सुख दुख मान अपमान शत्रु मित्र पापी पुण्यात्मा माटी पथर किंवा सुना ए सब को समदृष्टि रे देखे। पर आपणार भेदभाव न रखी से समस्त मंगल निमित्त निजर कर्तव्य करि चले। मन आउ इंद्रिय मानक सहित शरीर को निजर आयतरे रखिथिबा आशा रहित बा संग्रह शून्य जोगी एकाकी ही निर्जन स्थान रे रही आत्मा को निरंतर परमात्मा को सहित जोग करिबा उचित। हे अर्जुन, वर्तमान किपरि ध्यान बा जोग साधना करा जाए ताहार विधि मु तुमको बुझाई देउछि। ध्यानर सहित सुन। योगाभ्यास निमन्ते प्रथमे गोटिए एकांत परिष्कार स्थान बाछिबो। स्थानटी अति उच्च किंवा अति निम्न होइनथिबो सेहीपरि स्थान रे कुश बिछाई देव एवं से कुशसज्जा उपरे मृगचर्मर आसन को पारि पद्मासन रे बसिबो। एहा परे मन एवं इंद्रिय को संयम करि एकाग्रतार सहित निजर अंतःकरणर शुद्धि पई योगाभ्यास करिबा उचित। योगाभ्यास बा ध्यान कला बेले शरीर मस्तक एवं ग्रीवा को सीधा एवं स्थिर रखी नाकर अग्रभागरे दृष्टि निबद्ध करिवो। एही भली भावरे ध्यानस्थ होई संजत एवं स्थिर मनरे मोठारे तुम मन को केन्द्रीभूत कराई जोग करिवो। एही परी भावरे ध्यानस्थ होई जेउ जोगी निजर आत्मा को मोठारे अर्थात परमात्मांक ठारे लगाई थाए से ही अपार शांति एवं दिव्य आनंद लाभ करिथाए। हे अर्जुन, जे अत्यधिक भोजन करे किंबा आदौ भोजन करे नाही, जे अत्यधिक सुए बा आदौ सुए नाही ता द्वारा एही जोग सिद्ध हुए नाही। जे व्यक्ति यथाजोग्य आहार विहार करे यथाजोग्य निद्रा जाए यथाजोग्य उजागर रहे एवं यथाजोग्य कर्म करे से ही व्यक्ति योग द्वारा भौतिक दुख जंत्रणारु मुक्ति लाभ करे। तीर पवन रे दीपशिखा जेपरी हलचल न होई स्थिर भाव रे जळु थाए ठीक सेहीपरी संयम मनरे स्थिर चित्तरे जोगी परमात्माकु ध्यान करिथाए। से टिकिए हेले भी ध्यानरु विरत हुए नाही। से धैर्य धरी उत्साहित मनरे निश्चित भावरे से ही योग साधना करी चले। तेणु इच्छा बा संकल्पर उत्पन्न होउतवा समस्त कामना निशेष रूपे त्याग करी समस्त इंद्रिय गुड़ी को मन द्वारा आयत करिबा आवश्यक। क्रमशः योग अभ्यास करी करी धैर्यशील बुद्धि द्वारा निजर मन को केवल परमात्मांक ठारे लगाइबा उचित। योग करिबा समय रे परमात्मांक व्यतीत अन्य किछि भी चिंतन करिबा अनुचित। हे अर्जुन, जेउ जोगींकर समस्त जीवंक ठारे आत्मभाव होई जाए एवं जिए समस्तंकु निजर परि देखंती समस्तंकर सुख दुख को भी निजर सुख दुख भळि देखंती तांकु परम जोगी बोली कुहा जाए। एथर अर्जुन श्रीकृष्णंकु प्रश्न कले, हे केशव, आपण तो समस्त घटरे विराजमान करिथिबा परम ब्रह्म कथा एवं समभावापन्न जोग तत्व कथा कहिले हेले ए मन तो बड़ चंचल अबाध्य अत्यंत दृढ़ एवं बलवान अटे। तेणु मु भावुची मन को बस करिबा घूर्णिवायु को अटकाइबा परी अत्यंत दुष्कर। ए चंचल मन को मु आयत करिबी किपरी? श्रीकृष्ण कहिले, हे अर्जुन,
ए चंचल मन को संयत करिबा वास्तविक बड़ कठिन, किंतु दृढ़ निष्ठा एवं वैराग्य बल रे मन को बारंबार परमात्मांक ठारे लगाइबार अभ्यास कले खूब सहज रे मन को वशीभूत करि हुए। जहार मन संयत होई नाही ता द्वारा जोग दुष्प्राप्त, सीए जोगी होई पारे ना। जिए प्रकृत जोगी सीए समस्त प्राणी ठारे ईश्वर बा परमात्मांकर उपस्थिति अर्थात समस्त जीवंक ठारे मोर उपस्थिति जानी पारे। जिए मते सबुठारे देखे एवं सबुकिछि को मो भितरे देखे तो से केबे भी मो ठारु दूरै जाय नाही कि मु ता ठारु आदु अंतर हुए नाही। सीए स्वयं मते एवं सकल घटरे विराजित परमात्मांकु एक बोली जाने एवं सेई जोगी समस्त प्रकार क्रियाकलाप करूथिले भी वास्तवरे से मो पई ही सबुकिछि करूथाय। अर्जुन श्रीकृष्ण को पचारिले हे केशव, जेऊं व्यक्ति प्रथमे जोग साधना रे प्रवृत्त होइथाय किंतु परे पार्थिव बा सांसारिक मनोवृत्ति जोगु जोगभ्रष्ट होई सिद्धि लाभ करि पारे ना, तार परिणाम कौन हुए? एभळी जोगभ्रष्ट व्यक्ति भौतिक संसारर पार्थिव सुख एवं दिव्य आध्यात्म सुख उभयरु विच्युत होई नष्ट होई जाय नाही कि? हे मधुसूदन, आपण ही केवल मो मनर ए संशय को दूर करि पारिबे, एहा ही निसंदेह। अर्जुनक मनर संशय दूर करिया को जाई श्रीकृष्ण कहिले, एभळी धरणर व्यक्ति संसारर पार्थिव सुख पाई पारे नाही कि दिव्य आध्यात्मिक आनंद पाई पारे नाही, एकथा सत, मात्र से नष्ट होई जाय नाही, कारण कल्याण कर्मकारी कौनसी व्यक्तिर केबे भी अमंगल हुए नाही। पुण्यात्मा व्यक्ति पुण्य बळरे जेउ स्वर्गलोक लाभ करे, जोगभ्रष्ट व्यक्ति मध्य सेई स्वर्गलोक लाभ करिथाय। सेठारे किछि वर्ष रही पुनर्बार एई मर्त्यमंडल को फेरी आसी कौनसी पुण्यात्मा किंवा शास्त्रज्ञानी जोगींक वंशरे जन्म नेइथाय। मात्र एभळी जन्म एई इहलोकरे अत्यंत दुर्लभ। हे अर्जुन, पुनर्जन्म लाभ परे जोगभ्रष्ट व्यक्ति पूर्व जन्मर संस्कार प्रभावरे ही निसंदेह रे भगवानक प्रति आकृष्ट हुवंती एवं पुनर्बार जोग साधना रे प्रवृत्त हुवंती आउ सिद्धि लाभ करिया को जत्नवान होइथांती। फळरे से वेदवर्णित कर्मफल ठारु मध्य श्रेष्ठ फल लाभ करिथांती। जोगभ्रष्ट सेई व्यक्ति अधिक निष्ठार सह जोगाभ्यास करिवारु तार सकल पाप तुरंत मोचन हुए एवं से अविलंबे सिद्धि लाभ करि परमात्मा रे अवस्थान करि। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को जने कर्मजोगी हेवा पई उपदेश दे कहिले, हे अर्जुन, जने तपस्वी किंवा जने शास्त्रज्ञानी किंवा सकाम कर्म करूथला व्यक्तिंक अपेक्षा कर्मजोगी ही श्रेष्ठ। तेबे समस्त जोगींक भितरे मते भक्तिरे बांधि रखिथिबा कर्मजोगी ही सर्वश्रेष्ठ जोगी, आउ मो सहित कर्मजोगीर संपर्क ठीक शरीर एवं आत्मार संपर्क सदृश अत्यंत निविड़। तेबे दर्शक बंधु, एही थिला भगवत गीतार षष्ठ अध्यायर सारांश। आशा करूची एही भिडियोरु ध्यान जोग बा आत्मसंयम जोग विषय रे आपण किंचित मात्रा रे ज्ञान लाभ करि पारिथिबे। आज पई एतिकी, पुणी आसीबी आउ एक शिक्षणीय भिडियो नै, से पर्यंत विदाय। जय जगन्नाथ।